हरिद्वार जिला प्रशासन के द्वारा बड़े स्तर पर अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। धर्मनगरी हरिद्वार में लाखों की संख्या में देश विदेश से श्रद्धालु आते हैं, लेकिन हर की पौड़ी के पास स्थित जामनी मार्केट में व्यापारियों के द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इस कारण से हर की पौड़ी पर यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही राज्य सरकार अब हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने की रूपरेखा तैयार कर रही है। इसको देखते हुए आज सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में व्यापारियों के साथ बैठक की गई और सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। जानवी मार्केट जो है नगर निगम द्वारा 1976 में बनाया गया था, तो उसी में कुछ व्यापारियों को दुकानें आवंटित की गई थी। उस समय में तो वहाँ पर एक संज्ञान में आया कि कुछ व्यापारियों द्वारा दुकानों को किया गया है और दुकानों को भी आगे बढ़ाया गया है। तो उसी के तहत पूर्व में भी नोटिस दिया गया था, वर्तमान में भी नोटिस निर्गत किए गए थे जिलाधिकारी महोदय के अनुसार। तो उसी के तहत ये लोग यहाँ पर आज एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें सिटी मजिस्ट्रेट SDM और हम लोग यहाँ पर उपस्थित थे। तो हमने सारे रिकॉर्ड भी देख चेक किए हैं यहाँ पर और व्यापारियों द्वारा भी कुछ मांगी की गई है। तो उसी के तहत उनको एक प्रेजेंटेशन देने को बोला गया है, जो वेडनेसडे अपना प्रेजेंटेशन हमको सबमिट करेंगे। उसके बाद को लेकर के एक बैठक थी, एक विषय था एक मार्केट पर अतिक्रमण बताया जा रहा था, जबकि उसमें बोर्ड में पहले ही 2020 के 18 जनवरी 2020 में एक प्रस्ताव पारित है। उसमें कहा गया है कि जो दुकानदारों के आगे जो जगह है वो दुकानदारों से सर्किल रेट के आधार पर या जो भी शासन या नगर निगम किराया तय करता है उसके आधार पर दुकानदारों को दे दिया। तो अतिक्रमण बता करके प्रशासन को थोड़ा किसी के द्वारा गुमराह किया जा रहा था, लेकिन और सारे अधिकारी वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे। उन्होंने कहा है कि हम उच्च अधिकारियों से बात करके इसका निस्तारण